सो गाइज, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो शेयर करने वाला हूँ और हिंदी मराठी दोनों में बात करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बचपन से लेकर आज तक हमको सिखाया गया कि गांधी जी इज द फादर ऑफ आर नेशन, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आर कंट्री एंड टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। पर क्या आपको पता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? नहीं, ना वो रजनीकांत है और ना अमिताभ बच्चन। इनफैक्ट उनका नाम है दादा साहेब फाल्के। इंडियन सिनेमा के ऐसे राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिनके नाम से आज लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं और बड़े से बड़े एक्टर्स को फेलिसिटेट किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र हमारी इंडियन सिनेमा की पहली फुल लेंथ मोशन मूवी थी जिसे डायरेक्ट, प्रोड्यूस और लिखा था खुद दादा साहेब फाल्के। एक टाइम था जब मराठी फिल्म इंडस्ट्री पर चार चांद लग गए थे, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था दादा कौन के, दादा साहेब फाल्के, रंजनाथ देशमुख, श्रीराम लागू और ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक गोल्डन पीरियड दिया। सो अ ह्यूज सैल्यूट टू ऑल दोज आर्टिस्ट। अगर आपको लगता है कि अडल्ट कॉमेडी या फिर डबल मीनिंग कॉमेडी का जो ट्रेंड है ये बॉलीवुड ने स्टार्ट किया है, देन आप गलत हो। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, तेरे मेरे बीच में मुक्का गया मुक्का, अंधड़ा मार तो डोला, नहीं मैं अश्लील नहीं हूँ, ये सारे टाइटल्स तो दादा कोंडके के मूवीज के हैं। अभी मराठी में बोले तो दादा साहेब कोंडके ने ऐसे कितने कल्ट क्लासिक मराठी मूवीज डिलीवर के लिए आए जो आज ही लोकांना प्रचंड आवडतात। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि दादा कोंडके वॉज द फर्स्ट इंडियन सिनेमा आर्टिस्ट जिन्होंने अडल्ट कॉमेडी वाला जो जॉनर है ये उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब बात जब अडल्ट कॉन्टेंट की हो तो इसमें नीलू फुले जैसे एक्टर भी किसी से कम नहीं है। नीलू फुले यांनी त्यांच्या मोस्ट ऑफ द मूवीज मध्ये फक्त नेगेटिव कॅरेक्टर प्ले केले आहे, त्यांनी इतके सारे मूवीज केलेले आहे पण तरी त्यांचे एक डायलॉग सर्वात जास्त फेमस आहे आणि तो आजही लोकांना तितकाच आवडतो। महाराष्ट्र में परफॉर्मिंग आर्ट तीन पार्ट में डिवाइड था। एक थे फिल्म जो लोग सिनेमा हॉल में जाके देखते थे, दूसरा था तमाशा जहाँ पे लोग लावणी, डांस, सिंगिंग, कीर्तन जैसे स्किल्स लोकल पीपल या फिर थिएटर ग्रुप लोगों को दिखाया करते थे, और तीसरा था थिएटर प्ले जहाँ पे लार्जर चंक ऑफ दी ऑडियंस ज्यादा करके आकर्षित हुआ करती थी, क्योंकि मेजोरिटी दी ऑडियंस थिएटर प्ले और तमाशा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी। वहीं पे दूसरी तरफ खाली पड़ने लगे सिनेमा हॉल्स, और इसी बात का सबसे बड़ा फायदा हुआ तो वो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर और सिनेमा स्क्रीनिंग को पूरी ऑक्यूपाइड कर लिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने, जिसका जुर्माना आज भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं भुगत तो रही है। एक तरफ है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जिनके कंटेंट की क्वालिटी दिन ब दिन थर्ड क्लास होती जा रही है, वहीं पे दूसरी तरफ है मराठी फिल्म इंडस्ट्री जिनके पास क्वालिटी कंटेंट तो है पर उस पे इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं है, पर अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई मिल भी जाता है तो उसको थिएटर में आते आते पूरे सालों लग जाते हैं, और अगर वो बाय चांस वो मूवी थिएटर में आ भी गई तो उसे स्क्रीन्स कम मिलते हैं जिससे वो क्वालिटी कंटेंट लार्जर चंक ऑफ द ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता। लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, सचिन पिलगांवकर, महेश कोठारे ये 90s के ऐसे प्रोमिनेंट पिलर है जिन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को बांधे रखा, और ना जाने इन्होंने ऐसी कितनी सारी मेमोरेबल मूवीज दी है जिन पर मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अब बात करें मराठी बॉक्स ऑफिस की तो टॉप 3 पर आती है नाना पाटेकर की नट सम्राट जिसने 50 करोड़ का बिजनेस किया था एंड देट वॉज द हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ 2016 अंटिल सैराट। सेकंड स्पॉट पर है सचिन अ बिलियन ड्रीम जिसे हिंदी, इंग्लिश और मराठी में शूट किया था एंड इस मूवी ने 76 करोड़ का बिजनेस किया एट द बॉक्स ऑफिस। एंड फाइनली फर्स्ट स्पॉट पर है सैराट, मंचे 4 करोड़ बजट पर बनी या मूवी ने 110 करोड़ बिजनेस किया एट द बॉक्स ऑफिस, असा रेकॉर्ड जो अजूनही कोणत्याही मराठी मूवी ने तोडू नाही शकला। एंड ट्रस्ट मी, दिस मूवी इज द हायेस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ द डेकेड इन द एंटायर मराठी फिल्म इंडस्ट्री। देखो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो भाई स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, पर ऐसे स्ट्रगल करके आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाइए सिद्धार्थ जाधव, भरत जाधव, मकरंद अनसपुरे, भाव कदम और कुशल बद्रिके जैसे एक्टर्स ने जिन्होंने मराठी कॉमेडी जॉनर को एक अलग ही लेवल तक पहुंचाया जहां तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शायद ही कभी पहुंच पाए। सो डोंट वरी, इस टॉपिक पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। बात अगर मराठी मूवीज प्रोड्यूस करने की हो तो इसमें जी स्टूडियो सबसे आगे, मतलब टाइम पास 1, टाइम पास 2, सैराट, आनंदी गोपाल, एलिजाबेथ एकादशी, खारे बिस्किट और नाल जैसी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की है जो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख और आमिर का स्टारडम और स्टार वैल्यू इतनी स्ट्रांग है कि लोग सिर्फ उनके नाम से मूवी थिएटर में देखने जाते हैं। अब वो मूवी कितनी अच्छी और कितनी बुरी ये तो बात की बात है। एग्जैक्टली आज के टाइम में मराठी फिल्म इंडस्ट्री के पास है स्वप्निल जोशी, अंकुश चौधरी, सिद्धार्थ जाधव और सुमित भावे जैसे एक्टर्स जिनका सिर्फ नाम काफी है टू पुल ऑडियंस टू द थिएटर। 2016 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था वेंटिलेटर, डायरेक्टेड बाय राजेश मापुसकर एंड प्रोड्यूस बाय प्रियंका चोपड़ा। बोलून ठेवले बाबांना तिकडे शिफ्ट करा। असं शिफ्ट कसं करणार? वेंटिलेटर येतो, ऑक्सिजन सिलेंडर नाही आहे। एक सेकंड जरी काढला तर प्राण जाऊ शकतो। 5 मिनिट दम धरू शकत नसेल तर मराठी माणूस कसला?
जिंदगी में माँ बाप रिलेटिव अच्छी फैमिली और उनकी अच्छे वैल्यूज होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें दिखाई थी उस वेंटिलेटर नाम की मूवी में, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये मूवी आपको रुला रुला के छोड़ेगी। बाप मुलाच्या रिलेशनशिप मध्ये ससा खूप गोष्टी बोलल्या जात नाहीत, अशाच तुंबून राहतात। आपण सगळे इकडे राहतो, भेटतो कधी कोणाला, कुणाचे लग्न असलं तर, नाही तर कुणी गेलं तर। आता मराठीमध्ये बोललं तर प्रियंका चोप्रा, मी तुझा मनापासून आभारी आहे, थँक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ मूवी लाइक वेंटिलेटर। एक टाइम था जब मूवी थिएटर में रिलीज होती तो उसे टीवी पर आते आते 6 महीने या फिर 1 साल भी लग जाता था, पर वही सिचुएशन अभी पूरी तरह बदल चुकी है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना ग्रो हो चुका है कि हमें कॉन्टेंट के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ता एंड कॉन्टेंट एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन हैं। और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे मराठी कॉन्टेंट क्रिएटर्स एंड मराठी कॉन्टेंट क्रिएटिंग एजेंसीज। इसमें सबसे पहले आती है भारतीय डिजिटल पार्टी यानी बाड़ेपा, एक ऐसा यूट्यूब चैनल और एजेंसी जो मराठी ओरिजिनल कंटेंट, मूवी प्रमोशंस और म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, जिससे मराठी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत फायदा हुआ है। यूट्यूब पर और एक चैनल है जिसका नाम है इट्स सच, ये इतने हिलेरियस और एंगेजिंग मराठी कंटेंट बनाते हैं एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय देयर कंटेंट, सो प्लीज डू वॉच देम। भुवन बम, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, अमित भदाना, ऐसे कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिनका नाम इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट में आता है। उन्हीं के साथ मराठी कंटेंट क्रिएटर्स का भी बोलबाला हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब सुशांत गाड़गे, सौरभ गाड़गे, जस्ट नील थिंग्स और फोकस इंडियन जैसे ऐसे कितने सारे मराठी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके कंटेंट की डिमांड आजकल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फोकस इंडियन और जस्ट नील थिंग्स की तो बात ही अलग है क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि ये व्लॉगिंग भी करते हैं और इनकी सारे व्लॉग में हमें सारे बिहाइंड द सीन्स वाले ये मोमेंट हमें हमारे साथ शेयर करते हैं, जो मुझे काफी हद तक बहुत बहुत अच्छे लगे, एंगेजिंग लगे, एंटरटेनिंग लगे। इंटरेस्ट में ये मराठी में जैसे बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं ना, आई शपथ जबराट मजा आए थे हमारा। मैंने अपनी लाइफ में ना कभी व्लॉगिंग की है ना किसी व्लॉगर को इतना एग्रेसिवली फॉलो किया है। पिछले 3-4 महीनों में ऐसे 3 व्लॉगर्स है जिनको मैं एग्रेसिवली फॉलो करता हूँ, वो है फोकस इंडियन, जस्ट नील थिंग्स और जिनल राजकर। अब जिनल राजकर मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल लेडी है और जितनी ये प्यारी है उतना ही प्यारा इसका कॉन्टेंट है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है क्योंकि यार मुझे तो ये बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगी ये और इसका कॉन्टेंट। या वर्षी स्वप्निल जोशी आणि पूजा सावंतची जोडी आपल्याला बळी नावाच्या एका हॉरर मूवीमध्ये दिसणार आहे, सो लेट्स सी हा कॉन्टेंट आणि ही मूवी किती स्ट्रॉंग असेल आणि किती आवडेल आपल्याला। टाइमपास 1 और 2 के बाद आने वाली है रवि जाधव के टाइमपास 3, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है एंड दिस मूवी इज बीन रिटन बाय प्रियदर्शन जाधव। याच वर्षी पवन घट नावाचा एक मराठी सिनेमा येत आहे जो मराठी वॉरियर बाजी प्रभू देशपांडे यांच्या आयुष्यावरती आधारित आहे, सो लेट्स सी हा मूवी आपल्याला किती आवडेल। सो गाइज, आप मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हो, कि आपके क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है और आप कितने एक्साइटेड इनकी आने वाली मूवीज के लिए, प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स ऑन द अपकमिंग वीडियोस। सो टेक केयर, सी यू सून।